ये खबर आई है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, क्योंकि वो लगातार कोमा में बने हुए थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे और उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। उनके मेडिकल कंडीशन में लगातार गिरावट आ रही थी और इस वक्त ये खबर आई है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी जो हैं वो वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और 2012 से 2017 के का कार्यकाल रहा है उनका भारत के राष्ट्रपति का। लगातार पिछले कुछ दिनों से उनकी मेडिकल जो कंडीशन थी, जो उनकी सेहत है, वो ख़राब बनी हुई थी और वो अस्पताल में थे और ये खबर सुबह से ही थी आज के उनकी जो तबीयत है उसमें लगातार गिरावट आ रही है कल से ही। और अभी ये खबर आई है कि वो कोमा में थे और अब ये ऐलान किया गया है कि वेंटिलेटर सपोर्ट के बावजूद वो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो आर्मी हॉस्पिटल में थे, रिसर्च और रेफरल हस्पताल जो है दिल्ली कैंटोनमेंट में, और उनकी मेडिकल कंडीशन में लगातार गिरावट आ रही थी। कहा गया था कि वो सेप्टिक शॉक में चले गए थे लंग के इन्फेक्शन की वजह से, कई दिन से वो कोमा में थे। वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, कई दिनों से कोमा में थे और इस अस्पताल का जो स्टेटमेंट था उसमें यही बताया गया था। 84 साल की उम्र थी प्रणब मुखर्जी की और 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। कई दिनों से कोमा में थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति रहने के साथ साथ वो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और बहुत ही वरिष्ठ कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन रहे, जो तमाम मामलों को सुलझाने के लिए उनको जाना जाता रहा और अक्रॉस पार्टी से कहते हैं कि दलों के आर पार भी उनकी अच्छी उनके अच्छे संबंध रहे सबसे। और बहुत ही इनको सभी दल के जो लोग हैं वो इनका सम्मान करते। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।